हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं ड्यूटी की ऐसी की। अच्छा अब क्या इसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं, अपना आराम से घर बैठेंगे संन्यास लेकर। इस समय की एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर आपको बता दें, आशीष कुमार जो सिंघम के नाम से मशहूर है, आज वो पुलिस को अपना रिजाइन देने जा रहा है, SP पानीपत को। क्यों दुखी हो गए यार, आप तो डर गए सारे सिस्टम से। अरे सर डरा नहीं है, या तो मुझे पावर दियो, आज सुबह फोन आ लिए ड्यूटी पे नहीं आना, ड्यूटी पे नहीं आना, आराम करो आराम करो। कौन दबाव डाला कि आप जो ना हो? मैं रिजाइन नहीं दे देता, मुझे ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं जिसमें बंदी से बना के रखे। पुलिस का काम होता गलत कार्य पकड़ने का, यही नहीं कर सकते तो फिर मैं नौकरी करके क्या करूँगा। तो दो पुलिस वाले शादी वर्दी में पहुँच गए, तहसील कैंप थाने के बता रहे थे, वो लड़कों को भी भगा दिया और फिर शराब तो मैंने काबू में कर ली, लेकिन वो लड़कों को उन्होंने भगवा दिया। वैसो पानीपत देख रहे हैं और इस समय की एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर आपको बता दें, आशीष कुमार जो सिंघम के नाम से मशहूर है, आज वो पुलिस को अपना रिजाइन देने जा रहा है, SP पानीपत को रिजाइन देने जा रहा है, नौकरी छोड़ने के लिए जा रहा है। क्यों उसने ये फैसला लिया, आपकी बातचीत लाइव करवाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिनों से आशीष सुर्खियों में है क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए उसको लगाया गया था, लेकिन अब नशा तस्करी, नशा सप्लायर और शराब और जुआ, इसके जो है इसके ऊपर इसने अपना अभियान चलाया हुआ है और कल इसके ऊपर कुछ मैटर हुआ और इसी को लेकर आज ये SP को रिजाइन देने जा रहे हैं। बाकायदा इन्होंने नौकरी से रिजाइन करने बारे एक लेटर भी लिखा है और उसमें ये लिखा हुआ है कि 19, 20 और 21 तारीख को जो मेरे द्वारा जुआ, नशा व अवैध शराब पकड़ी गई थी और ये कार्य जो है पुलिस के संरक्षण में ये चल रहे हैं, तो कल पुलिस ने सादी वर्दी में पहुंचकर नशा तस्करों को भगाने में मदद की। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट जो है और दे दिया इसमें, अब उनसे भी बातचीत करेंगे, पहले बातचीत करते हैं SP के पास ये जा रहे हैं। क्यों दुखी हो गए यार, आप तो डर गए सारे सिस्टम से। अरे सर डरा नहीं है, या तो मुझे पावर दियो, आज सुबह फोन आ लिए ड्यूटी पे नहीं आना, ड्यूटी पे नहीं आना, आराम करो आराम करो। मैं रिजाइन नहीं दे देता, मुझे ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं जिसमें बंदी से बना के रखे। पुलिस का काम होता गलत कार्य पकड़ने का, यही नहीं कर सकते तो फिर मैं नौकरी करके क्या करूँगा। आपकी ड्यूटी तो मेरे ख्याल लगाई गई थी ट्रैफिक में, लेकिन आप ये कुल कौन से पंगों में उलझ गए? नहीं ट्रैफिक के आम आदमी भी पकड़ सकता गलत काम, इसको कोई किसी पे पाबंदी नहीं, कोई आम आदमी पकड़ सकता, हम पे तो फिर भी पुलिस कर्मचारी हैं। कौन दबाव डाला कि आप जो ना हो? सुबह मुंशी का फोन आया था और वहाँ SP ऑफिस से फोन आया था, ड्यूटी पे मत जाओ, घर आराम करो। अच्छा तो ये इसमें लिखा हुआ है कि मतलब ड्यूटी में छोड़ूंगा, रिजाइन करूंगा? हाँ हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं ड्यूटी की ऐसी की। अच्छा अब क्या इसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं, अपना आराम से घर बैठेंगे संन्यास लेंगे। एक मिनट आप बात सुनो इसमें, लेकिन टेक्निकल पॉइंट आपने ऐसे दे दिए कि SP चाहकर भी आपका इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। नहीं करना भैया तो करो, ये खत्म करो सब, या फिर मैं नौकरी नहीं करना चाहता। एक चीज इन्होंने ये लिख दिया है, टेक्निकल पॉइंट छोड़ दिया है इसके ऊपर, कि अवैध कार्यों से आहत होकर पुलिस विभाग की नौकरी छोड़ रहा हूँ और जबकि मैं हरियाणा पुलिस में कर्मचारी हूँ, तो तुरंत प्रभाव से ऐसे कार्यों पर रोक लगाई जाए और पुलिस इन कार्यों में सक्षम नहीं है तो मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मेरा रिजाइन मंजूर किया जाए। टेक्निकल पॉइंट तो ये है कि ये रिजाइन जो है मंजूर नहीं हो सकता, उलझा दिया है आशीष ने, क्योंकि मामला जो है अवैध तस्करी का है, तस्करी का है मामला है, जुए का मामला है, शराब पकड़ने का मामला है। कल जो है इन्होंने रात को शराब पकड़ी और कल रात का जो ड्रामा हुआ वो उनसे पूछते हैं, कल रात को क्या हुआ था और कहाँ गए थे आप? ये वधाराम कॉलोनी में हम गए, तो दो पुलिस वाले शादी वर्दी में पहुंच गए, तहसील कैंप थाने के बता रहे थे, वो लड़कों को भी भगा दिया और फिर शराब तो मैंने काबू में कर ली, लेकिन वो लड़कों को उन्होंने भगवा दिया। लेकिन एक बात ये है कि दुखी सिस्टम से हो रहे हो आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? आपके ऊपर मंत्री जी बैठे हैं, अनिल साहब बैठे हैं, वहाँ पर पहुँचाओ ना अपनी आवाज़, शायद मीडिया के जरिए भी वो सुन रहे होंगे, वहाँ तक तो आवाज़ पहुँचानी चाहिए आपको। नहीं फिर सुबह ये कह दिया भाई आराम से घर बैठो, ऐसे फिर ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा अब ये कन्फर्म है कि आप नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं मैं नहीं करूँगा। तो ये एक चीज़ और लास्ट में सवाल एक और करता हूँ फिर चले जाना, आपने जाना होगा, ये मीडिया में क्यों डाला फिर आप लोगों ने, जब सोशल मीडिया में डालने क्या जूते डायरेक्ट दे देते SP को आप? मेरे फैन हैं, मैं अपने फैनों को बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरा इंतजार ना करें, हुए जाम खत्म करने का, कोई गलत काम पकड़वाने का, ऐसा इंतजार ना करें, क्योंकि अब मैं ड्यूटी नहीं करूँगा। लेकिन उम्मीदें बड़ी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपसे थी पानीपत को, और आप एक तरफ तो नाराज़ भी कर रहे हैं लोगों को और दूसरी तरफ मतलब आपने एक इस्तीफे वाला ये काम भी छेड़ दिया। बस क्या करें, जब ड्यूटी नहीं करने देते तो और क्या करें। तो इसके बाद क्या करोगे अब? अपना घर जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे। अच्छा
ये कन्फर्म है आप नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। आशीष उर्फ सिंगम हमारे साथ थे, यहाँ से ये निकलेंगे अब एसपी ऑफिस और एसपी को इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। टेक्निकल पॉइंट में इन्होंने इस्तीफे को भी उलझा दिया है, एसपी इस्तीफा मंजूर करेंगे या नहीं करेंगे बाद की बात है, लेकिन आप देख लीजिए पैदल ही निकल पड़े हैं यहाँ से, पीछे मोटरसाइकिल पे आए थे अब पैदल हैं, अब मोटरसाइकिल पर फिर बैठ गए हैं। यहाँ से अब ये इस्तीफा देने एसपी को जा रहे हैं। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें और इस मामले में जो भी बड़ी अपडेट होगी हम लोग दोबारा लाइव होंगे। अब एसपी को मिलकर ये जैसे ही वापस आएंगे हम लोग दोबारा आशीष से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।